सऊदी अरब का यमन युद्ध से वॉकआउट का प्लान क्यों है? ताइवान के खिलाफ चीन की उकसावे वाली हरकत क्या है और कैसे बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने का मन बना लिया है। यमन के साथ समझौते को खत्म करने के लिए अगले हफ्ते सऊदी प्रतिनिधिमंडल साना की यात्रा करेगा। रॉयटर्स ने मामले से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से इस बड़े फैसले का दावा किया है। पत्रकार इवान गोर्स्कोबिच की गिरफ्तारी का मामला रूस और अमेरिका के बीच नए संघर्ष की बड़ी वजह बनता दिख रहा है। रूस ने अमेरिकी पत्रकार पर जासूसी का चार्ज लगाया है। रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक पुतिन प्रशासन ने अमेरिकी अपील को ठुकरा दिया है। उत्तर कोरिया ने आशंका जताई है कि नेटो की वजह से एशिया में भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। किम जोंग ने कहा है कि जिस तरह नेटो ने यूक्रेन को मोहरा बनाया उसी तरह एशिया में नेटो अब जापान जैसे देशों को भड़का रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति वैन की ओर यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच वार्ता से भड़के चीन ने साउथ चाइना सी में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। पीएलए के ताइवान के पास अपने शक्तिशाली युद्धपोत और कई एयरक्राफ्ट को तैनात किए हैं। इंडो पैसिफिक में भारत और क्वाड के खिलाफ चीन बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा है। भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने और दक्षिणी हिस्से की रेकी करने के लिए चीन की सेना श्रीलंका के जंगलों में जासूसी तंत्र स्थापित कर रहा है। चीन भारत को पूरब में म्यांमार की तरफ से तो दक्षिण में श्रीलंका की तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि कोको द्वीप पर लिसनिंग पोस्ट बनाने में म्यांमार चीन की मदद कर रहा है। चीनी मजदूर एयरबेस भी डेवलप कर रहा है। विस्तारवादी चीन का अफ्रीका में सैन्य अड्डों का जाल बिछाने का प्लान फेल साबित हुआ है। पश्चिमी देश के दबाव में तंजानिया, बागमोयो और गिनी ने चीन को सैन्य बेस बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अफ्रीका में चीन की सैन्य विस्तार की हसरत पूरी नहीं हो पाई। अफ्रीका में सैन्य विस्तार के लिए चीन ने अब प्लान बी पर काम तेज कर दिया है। नए सैन्य अड्डों का विस्तार नहीं होने से परेशान चीन ने अब जिबूती नेवल बेस को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जिबूती एयरबेस में खतरनाक मिसाइलों के साथ सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। चीन की चुनौती को देखते हुए भारत की फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की प्लानिंग है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही प्रोजेक्ट की सिफारिश सुरक्षा मामलों पर पीएम मोदी के अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी को भेजी जाएगी।